हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए, अभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो अभी देखो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ मैं। तो देखो, अभी साल भर कुछ हो ना हो, लेकिन जो स्टूडेंट लास्ट में जो पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। ये नहीं बोलता कि साल भर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो जैसे अभी देखो, क्रिकेट जब खेलते हैं तो जो लास्ट बॉल पे सिक्स मार देता है तो वही टीम जीती है, वैसे यहाँ पर कुछ ऐसी हाल है। तो उसी टाइप का कुछ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा, तो अभी मैं जो पहला चैप्टर जो आज का ले रहा हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2022 एग्जाम के लिए ले रहा हूँ मैं, ये हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है आपका। तो इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रहा हूँ, ये टर्म्स आपको क्लियर करना है। तो पहले मैं क्या करूँ, चैप्टर वाइज आपको एक 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 वीडियो डालते जाने वाला हूँ। बाद में फिर आप लोग बताइए इसका इंपॉर्टेंट, मैं इसको एक्सप्लेन करता, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना भी कर लिया, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इस पे 100% आपको आएगा, मैं बोल रहा हूँ 100%, ऑलमोस्ट बोलूँगा 100%, क्योंकि थोड़ा क्या था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए साल भर स्टडी लगती है। लेकिन इस टाइम आप करेंगे तो आप कैसे भी करेंगे तो आपको 90+ मार्क्स कैसे भी आएंगे। इतना भी कर लिया जितना मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपके साथ फिर कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा। अभी कैसे थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है मेरे पास ज़रा, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। फिर भी तो आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं लास्ट में बच्चों का भी साथ छोड़ता नहीं हूँ, तो लास्ट में बिल्कुल अच्छा करने की पूरी मैं कोशिश करता हूँ। हर साल का रिकॉर्ड है मेरा, और जो भी मैं देता हूँ उसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, सब बच्चे ये होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, बाद में हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्या करना है क्या नहीं। पहले आज का वीडियो देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट्स बताइए क्या क्या करना है। कुछ आपके सजेशन होंगे तो मुझे सजेशन प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसको देख पढ़ूंगा, फिर आपको मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, और जितना हो सकता है उसको मैं करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, अभी हेलोजन डेरिवेटिव ये चैप्टर कैसे बेसिक है, इसलिए यहाँ से ले रहा हूँ। तो पहले मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर मैं इनऑर्गेनिक दूंगा, क्योंकि वेटेज ज़्यादा इनऑर्गेनिक का है बाद में, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर मैं आपको मैं दूंगा फिजिकल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले ऑर्गेनिक में रिएक्शन में टाइम लगता है, तो देखिए पहला आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कोई भी चैप्टर सबसे पहले आपको उसका नॉमेक्लेचर जरूर कर लीजिए। नॉमेक्लेचर कितना करना है, जितना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेबल दिया रहता है नॉमेक्लेचर, उसको पूरा कर लेना है, उसको अच्छे से कर। एक क्वेश्चन नॉमेक्लेचर में जरूर रहता है, 100% रहता है, कौन सा चैप्टर रहेगा ये नहीं पता, तो इसलिए मैं हर चैप्टर का आपको बोल रहा हूँ। और इसमें देखिए, अभी नेम रिएक्शन, ये फिन क्लिस्टन रिएक्शन कर लेना, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारे टर्म्स, में आपको बाद में एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। पहले इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन दे दीजिए, फिर बच्चे इसको रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, इसका रजिस्टर अलग बनाइए और उसके अंदर क्वेश्चन से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। फिर देखो, शॉर्ट्स रिएक्शन करना है, वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा करना है, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है इसको कंप्लीट करना, मैं यहाँ कंप्लीट लिख देता हूँ, पूरा कर लेना है इसको पूरे टर्म्स के साथ, बहुत ईजी है ये कंप्लीट करना है। इनैंश उसी का पार्ट है, इनैंशियोमर ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक, देखो ये जो है ना इतना पार्ट कर लेना, ओके। उसके बाद देखो SN1 एंड SN2 इसका मैकेनिज्म है, या तो इसका डिस्टिंग्विश आएगा या तो कोई एक मैकेनिज्म आएगा। इस साल के लिए मैं बोल रहा हूँ 100% श्योर इस पर एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, 100% SN1 SN2 पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा, या तो डिस्टिंग्विश करने आ जाएगा, या तो SN1 का मैकेनिज्म बोलेगा, या फिर SN2 का। इसलिए SN1 SN2 दोनों बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, इस साल जरूर आएगा। फिर देखो ये नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिर सैंडमिल्स रिएक्शन, दिख रहा है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, और यही रिएक्शन फिर आपको मिलेगा किसके साथ, कार्बोक्सिलेज, जब नेक्स्ट चैप्टर आपको बताऊंगा मैं। फिर देखो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड किस साथ करना है, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, अमोनिया, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से रेसे मिक्सचर, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं रेसे मिक्सचर, इनैशियोमर, सारे टर्म्स में क्लिक, ऑप्टिकल एक्टिव पूरा करना है जितने भी टर्म्स के अंदर दे रखा है, और SN1 SN2 पूरा निपटा दो, और जितने भी नेम रिएक्शन चैप्टर डालो सारे कर लेना, बस के बाहर कुछ नहीं कर। अभी से दो में अगर हम मान के चलते हैं कि फेब और मार्च में एग्जाम होने वाला है, तो अभी से भी किया तो आपको 90% 90+% से कोई रोक नहीं सकता आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतना अभी से किया तो। और आपने अच्छा और पढ़ लिया, बहुत बढ़िया कर लिया, और आपने पहले से पढ़ते आ रहे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। मेरे लास्ट ईयर भी बोर्ड में एक स्टूडेंट को पूरा 100 मार्क्स मिला है, CET में एक को 100% डाले, मेरे यूट्यूब जो पढ़ते हैं मेरे साथ, मैं लास्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट करता, क्योंकि साल भर कभी क्या था, हमारे हम भी बहुत बिजी रहते हैं, क्लास लेते हैं यहाँ वहाँ, तो टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं लास्ट के टाइम बहुत बच्चों की मदद करता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए बस, और आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ अभी से रहिए एग्जाम तक, देखिए आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छे जाने वाला है और CET भी बहुत बढ़िया जाएगा। मेरे मैक्सिमम बच्चों को 95%+ आए हैं CET में साल, ठीक है ना। और बहुत बच्चे सब मैसेज आते रहते हैं मेरे को कि बच्चे यहाँ लग गए सर, हमको ये कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज मिल गया,
बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। हाँ, और आपको क्या करना है, आपको मैं स्टडी मटेरियल मेरे है ना इसमें मिलेगा ना, टेलीग्राम ग्रुप में है ना, शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक करके टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन के लीजिए। उसके अंदर आपको 12th का स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। उसके अंदर स्टडी मटेरियल डाल रहा हूँ मैं, एक 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 चैप्टर आप उसके अंदर आपको मिलता रहेगा। वो ज्वाइन कीजिए शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स करके, ठीक है ना। इसकी मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबके बिल्कुल बढ़िया आएगा ये पूरे। एक बार अपना खत्म हो गया तो फिर मैं आपको नेम रिएक्शन का वीडियो दूंगा, फिर फॉर्मूले का वीडियो दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, सबका सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ करके आपको दूंगा, क्योंकि साल भर नहीं किया लेकिन जितना मैं अभी कराऊंगा ना, ये आपको 100% दिला देगा आपको मैं, इतना आपको कर लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए अभी आज का इतना वीडियो बस हो गया, अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आप लोग पढ़िए और आपके क्या सजेशंस है कमेंट्स है जरूर डालिए। और जो बच्चे मेरे चैनल नए आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर बताइए, ठीक है बेटा। चलिए बाय, और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है ना। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके बेटा, बाय।